कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। अब मेरठ के कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के आर्य नगर में तेंदुए ने अपनी दस्तक दी है। तेंदुए की यह आवाजाही CCTV में कैद हो गई है। वन विभाग ने तेंदुए की धरपकड़ के लिए आवश्यक इंतजाम कर दिए हैं। उप प्रभागीय वन अधिकारी अंशु चावला ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। मेरठ के अलग अलग कई हिस्सों में पिछले कुछ समय से तेंदुए की आवाजाही देखने में आ रही है। इस आवाजाही से लोगों में दहशत व्याप्त है। शुक्रवार की सुबह आर्य नगर में अभय के घर के बाहर लगे CCTV में तेंदुआ कैद हो गया है। देखिए CCTV फुटेज। इस बारे में उप प्रभागीय वन अधिकारी अंशु चावला ने यह जानकारी दी। देखिए, तेंदुए की सूचना जब हमें मिली थी कंकड़खेड़ा एरिया में आर्यनगर कॉलोनी है, वहाँ पे एक सूचना मिली थी कि तेंदुआ देखा गया है। तो उस सूचना से तुरंत हमने अपनी टीम को भेजा और वहाँ पे एक कुंबिंग करवाई गई। तो वहाँ पे कैमरे में CCTV कैमरे में एक तेंदुए का वो आया है क्लिप। तो उसके अनुसार हमने यहाँ पे जो डॉक्टर हैं RK सिंह उनको भेजा और फिर वहाँ पे कुंबिंग करवाई और वहाँ पे उसी हिसाब से हमने केज लगवाए हैं और कैमरा ट्रैप लगवाए हैं। केज एक लगा है, कैमरा ट्रैप्स लगे हैं और 3 टीम्स गठित हुई हैं जो कुंबिंग करती हैं सुबह, दोपहर और शाम को। देखिए, पैनिक की ज़रूरत नहीं है लेकिन सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। हमने सभी को वहाँ पर सचेत कर दिया है और SOP की गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए कहा है, जिसमें आप सुबह शाम थोड़ा सा देख के निकलें, अकेले ना जाएं। ये हमने उनको गाइडलाइंस दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FirstBite.tv। नमस्कार। FirstBite की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।